एक बार की बात है, एक राजा और रानी थे जिनके दो बेटे थे और बाद में उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने रोसेट रखा। रोसेट के बाल सुनहरे रंग के थे और वो सारे राज्य में सुंदर राजकुमारी थी। सभी परियों को आमंत्रित किया गया। जब रानी ने परियों से रोसेट के बारे में भविष्यवाणी पूछी तो परियों ने बताया कि प्रिय रानी, हमें डर है कि रोसेट उसके भाइयों के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य का कारण बनेगी और एक प्रेम संबंध के कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। राजा और रानी बहुत परेशान थे। तभी किसी ने रानी को बताया कि जंगल में एक खोखले पेड़ पर एक साधु रहता था जो दुनिया के सभी लोगों को सलाह देता था। इसलिए रानी उससे मिलने गई और उस साधु ने रानी को राजकुमारी को जीवन भर के लिए एक ऊंचे मीनार में बंद करने की सलाह दी। जब राजा ने यह सुना तो उसने तुरंत एक ऊंची मीनार बनवाई और उसमें अपनी बेटी को रहने के लिए कहा। राजा ने राजकुमारी को एक कुत्ता दिया जिससे राजकुमारी अकेला महसूस न करे। राजा और राजकुमारी के दोनों भाई उससे हर हफ्ते मीनार में मिलने आते थे। दोनों भाई राजकुमारी से बहुत प्यार करते थे। इसके तुरंत बाद राजा और रानी दोनों एक साथ बहुत बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। सबसे बड़ा बेटा नया राजा बन गया और उसने अपने छोटे भाई से कहा, अब हमारी बहन को मीनार से मुक्त करने का समय आ गया है। जब रोसेट को उसके भाइयों ने मीनार से मुक्त कराया तो वह बहुत खुश हुई। वह बागीचे में चहल रही थी, अचानक उसकी नजर झाड़ियों में छुपे एक खूबसूरत मोर पर पड़ी। उसने अपने भाइयों से पूछा कि यह क्या है, ये तो कितना सुंदर और आकर्षक है। उन्होंने कहा कि यह एक पक्षी है जिसे मोर कहा जाता है। राजकुमारी ने अपने भाइयों से कहा कि मैं मोरों के राजा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अपनी बहन के अनुरोध पर दोनों भाई मोरों के राजा को खोजने के लिए महल से निकल गए। रोसेट सुंदर होने के साथ साथ ईमानदार, दयालु और बहुत विनम्र थी। भाइयों को विश्वास था कि मोरों का राजा रोसेट को अपनी रानी के रूप में पाकर प्रसन्न होगा। इसलिए भाइयों ने मोरों के राजा को दिखाने के लिए उसका एक चित्र बनवाया। उन्हें मोरों के राजा के शहर तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा, जहां सौभाग्य से लोग रहते थे न कि केवल पक्षी। मोरों का राजा घुंघराले बालों और मोर के पंखों के मुकुट वाला एक बहुत ही आकर्षक युवक निकला। राजा ने उसे राजकुमारी रोसेट का चित्र दिखाया और कहा कि उनकी बहन उससे शादी करना चाहती है। मोरों के राजा को राजकुमारी का चित्र बहुत ही सुंदर लगा, लेकिन उसने चित्र पर भरोसा नहीं किया और दोनों भाइयों से कहा, अगर वह उतनी सुंदर नहीं होगी जितनी वह चित्र में है तो मुझे तुम दोनों राजकुमारों को मारना होगा। भाइयों को पता था कि राजकुमारी वास्तविक जीवन में और भी अधिक सुंदर थी और इसलिए वे चिंतित नहीं थे। इस बीच राजकुमारी को उसके भाइयों ने संदेश भेजा कि उन्हें मोरों का राजा मिल गया है और वो राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार है। राजकुमारी के लिए एक नाव तैयार किया गया था। राजकुमारी अपनी सेविका और सेविका की बेटी के साथ अपने छोटे कुत्ते फ्रिस्क के साथ यात्रा पर निकल गई। थोड़ी देर बाद राजकुमारी को नींद आने लगी तो सेविका ने नाव में राजकुमारी का बिस्तर लगा दिया। जब रोसेट और नन्हा फ्रिस्क सोने के लिए चले गए तो सेविका ने नाव चालक से पूछा, क्या तुम एक अमीर आदमी बनना चाहते हो? नाव चालक ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, बताओ मुझे क्या करना होगा। सेविका ने कहा, तुम्हें बस राजकुमारी को नाव से फेंकने में मेरी सहायता करनी है और मेरी बेटी राजकुमारी के कपड़े पहन लेगी और उसकी जगह ले लेगी। वह मोरों के राजा से शादी करेगी और मैं तुम्हें 10 कीमती हीरे दूंगी। नाव चालक लालच में आ गया। सेविका और नाव चालक ने मिलकर गद्दा उठाया और पानी में फेंक दिया, जिस गद्दे पर राजकुमारी और फ्रिस्क सोए थे। तभी राजकुमारी जाग गई। वो ये देखकर भयभीत हो गई कि वो पानी पर तैर रही थी। गद्दे पर आलीशान पंख लगे हुए थे जिससे वो डूबी नहीं बल्कि राजकुमारी समुद्र में इधर उधर तैरती रही। उधर सेविका की बेटी ने राजकुमारी रोसेट की पोशाक पहन रखी थी, लेकिन वो बदसूरत थी। जब नकली राजकुमारी नाव से उतरी तो मोरों के राजा की भूमि के लोग पहले से ही बड़ी संख्या में उसका इंतजार कर रहे थे। एक सुंदर गाड़ी उसे राजा के पास ले जाने के तैयार खड़ी थी।
सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये तो कितनी बदसूरत है और इसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है। वे लोग उसे घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। सेविका की बेटी ने उन्हें बहुत भद्दी बातें कहकर जवाब दिया और आगे बढ़ गई। सेविका की बेटी का वाहन मोरो के राजा के पास रुक गया। उसने मोरो के राजा से कहा, तुम भद्दे जीव हटो मेरे रास्ते से। जब मोरो के राजा ने सेविका की बेटी को देखा तो वह दोनों राजकुमारों से बोला, क्या तुम दोनों अब भी कहोगे कि मैं इस पत्थर दिल से शादी करूं? ये ना ही सुंदर है और ना ही दयालु, यहाँ तक कि इसके सुनहरे बाल भी नहीं है। उसकी शक्ल ने उसे डरा दिया और वह चिल्लाया और कहा, तुम दो बदमाशों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। तुम्हारी बहन ना ही सुंदर है और ना ही दयालु। दोनों भाइयों ने घबराते हुए बोला, ये हमारी बहन नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। जिसका हमने आपको चित्र दिखाया था वो हमारी बहन है और वो असलियत में इस चित्र से भी अधिक सुंदर और दयालु है और उसके बाल भी सुनहरे है। उधर राजकुमारी रोसेट गद्दे पर तैरते तैरते मोरो के राजा के राज्य में पहुंची। उसके कुत्ते फ्रिस्क ने रास्ता दिखाया। मोरो के राजा ने कहा, तुम दोनों ने झूठ बोला है, इसलिए तुम दोनों और तुम्हारी इस घमंडी बहन को जेल में जाना पड़ेगा। तभी रोसेट चिल्लाई, रुको, मैं यहाँ हूँ, और मोरो के राजा से हाथ जोड़कर बोली, वो असली राजकुमारी नहीं है बल्कि वो मेरी सेविका की बेटी है। मेरे दोनों भाइयों को छोड़ दीजिए। मोरो के राजा ने कहा, सैनिकों सेविका और उसकी बेटी को पकड़ लो और उन्हें मौत की सजा दो। तभी राजकुमारी ने कहा, ओ मोरो के राजा, आप सेविका और उसकी बेटी को भी छोड़ दीजिए, उनके लालच के लिए उन्हें क्षमा कर दीजिए। मोरो का राजा रोसेट के इस दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें आजाद कर दिया। सेविका की बेटी ने राजकुमारी के कपड़े और गहने वापस कर दिया। मोरो के राजा ने दोनों भाइयों से किए गए बर्ताव के लिए क्षमा मांगी और राजकुमारी से शादी करने की घोषणा की। शादी का जश्न 15 दिनों तक चला और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।